Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the sixth chapter of book Footprints Without Feet, whose title is The Making of a Scientist. Until now, we have studied that Richard Arkwright was a very curious child right from the beginning years of his life. He was very close to his mother, who plays a key role in developing his interest in science. Now let us see what happens next in the story. I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him. But at night, we just did things together. Richie was my whole life. After his father died when Richie was in third grade. उसकी माँ कहती हैं कि वही एकमात्र रिचर्ड की कंपेनियन थी, फ्रेंड थी, जब तक कि वो स्कूल जाना शुरू नहीं किया था. और जब वो स्कूल जाना शुरू कर दिया, जब स्कूल में पढ़ने लगा, तब रिचर्ड की माँ उसके फ्रेंड्स को भी घर पे बुलाया करती थी. लेकिन रात के समय वो दोनों एक साथ बैठकर चीज़ों को पढ़ते, डिफरेंट लर्निंग से रिलेटेड काम को करते. और फिर रिचर्ड की माँ रिचर्ड को रिची कह के बुला रही हैं, और यहाँ पे रिची रिचर्ड का निकनेम है व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड. अब रिचर्ड की माँ कहती हैं कि रिची जब थर्ड ग्रेड में था, उस समय उसके फादर की डेथ हो गई थी. सी हैड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. If he did not have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. Richard ki maa aur Richard dono saam ko dining room mein, dining table pe kaafi samay vyatit karte. Ab Richard ki maa kehti hain कि जब कभी उन्हें लगता कि रिची के पास अब कोई काम नहीं है करने के लिए, तो वो उनको एक नया काम दे देती. कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग से रिलेटेड कोई भी काम, जैसे किसी चीज़ को याद करना, कोई नई चीज़ को सीखना, इस तरीके के काम रिचर्ड को दे दिया करती थी. और वो उसे पसंद भी करता था. वो हमेशा सीखने में अपने क्यूरियोसिटी को शो करता रहता था. वो बहुत क्यूरियस था नई नई चीज़ों को सीखने में. एंड लर्न ही डिड. ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. और जो उसकी क्यूरियोसिटी थी वो रंग लाई. स्कूल में हमेशा वो टॉप ग्रेड्स ले आता था, हमेशा क्लास में आगे रहता था. और जो भी रोज़मर्रा के काम थे, उन कामों में वो अन्य लड़कों की तरह ही था, लेकिन लर्निंग की बात कर लें, पढ़ाई की बात कर लें, तो वो उनसे काफ़ी आगे रहता था. बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, Arkwright हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. तो जब वो सेकेंड ग्रेड में था, सेकेंड क्लास में था, उस समय Arkwright ने उनकी लोकेलिटी में, उनके होम टाउन में जितनी भी 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज की मिलती थी, उनको कलेक्ट कर चुका था. उसके लिस्ट जो है कुछ नीचे आपके सामने दी हुई हैं, आप उनको देख के पढ़ के समझ सकते हैं. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. दैट बुक विच told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. अब रिचर्ड यहाँ ये बात कह रहे हैं कि संभवतः उनकी जो जर्नी थी बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की, वो यहीं पे ख़त्म हो जाती अगर उनकी माँ उन्हें बच्चों की किताब जिसका नाम ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स था ले आके नहीं दी होती. और इस बुक ने उनके इस क्यूरियसिटी को जिंदा रखा.
दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। इस किताब में, ये किताब दरअसल मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में थी जो कि सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट किए थे, और इस किताब की वजह से ही जो इंटरेस्ट था रिचर्ड का वो बना रहा साइंस के प्रति। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और इस किताब के लास्ट में जो भी पाठक थे, जो भी रीडर थे, उनको इस बात के लिए इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाइज के माइग्रेशन से रिलेटेड जो स्टडी है उसमें हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए योगहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कैनेडा। तो इस बुक के माध्यम से जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए योगहार्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर थे, उन्होंने उन सारे रीडर्स को ये बात कही थी कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें ताकि उनके माइग्रेशन को स्टडी किया जा सके। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर योगहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर योगहार्ट। अब रिचर्ड की माँ डॉक्टर योगहार्ट को लेटर लिखती हैं और इन सब बातों के बारे में बताती हैं, और जल्दी ही एब्राइट जो है वो लाइट एडहेसिव टैग्स मोनार्क के विंग्स में चिपकाना शुरू कर देता है। और ये बात कही जाती है कि जो भी इन बटरफ्लाइज को, इन टैग बटरफ्लाइज को पाए वो डॉक्टर योगहार्ट को इसको सेंड कर दे। द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मेनी। अब बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का एक सीजन होता है जिसको कि बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कहते हैं, और रीडिंग में ये 6 हफ्तों का होता था और लेट समर में स्टार्ट होता था। तो अब यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट कह रहे हैं कि अगर आप एक एक करके इन बटरफ्लाइज को पकड़ते तो ये बहुत ही टीडियस काम हो जाता, बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज मतलब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया है, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज यानी कि बटरफ्लाइज का झुंड। तो जो अगला स्टेप था एब्राइट का वो ये था कि वो बटरफ्लाइज के फ्लॉक को रेज करें। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स एंड रेज देम इन द बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। अब वो क्या करते, फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ते, उसके अंडों को लेते और अपने बेसमेंट में उनके कंप्लीट लाइफ साइकिल तक डेवलप करते, लाइक फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। जैसे कि एग से कैटरपिलर बनना, कैटरपिलर से प्यूपा का डेवलपमेंट होना और प्यूपा से फाइनली एडल्ट बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होना, ये पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को वो स्टडी करते थे अपने बेसमेंट में। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद उन एडल्ट बटरफ्लाइज के विंग्स पे टैगिंग करते और उनको छोड़ देते। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और बहुत सालों तक उनके घर का जो बेसमेंट था, मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स के डिफरेंट स्टेज के डेवलपमेंट का एक घर बना हुआ था। इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट्स टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक। अब रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज टैगिंग में वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि एक तो ये बहुत थकाऊ काम था, टीडियस मतलब डिफ़िकल्ट, कम्बरसम, और इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लॉफ्ड ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। हंसते हुए कहते हैं कि जितने समय तक मैंने बटरफ्लाइज को टैग किया उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज को रिकैप्चर किया गया, पकड़ा गया, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, तकरीबन 75 miles जहाँ की वो रहते थे।
देन इन द इवनिंग ग्रेड सॉरी देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। साइंस क्या होता है, वास्तविक साइंस क्या होता है, उन्हें तब पता चला जब वो सेवेंथ ग्रेड में थे और उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे वो हार गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वोन समथिंग। अब एब्राइट कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली बात थी कि जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और सब लोग जीतते हैं और आप चुपचाप वहाँ बैठे रहते हैं और आप सबको जीतते हुए देखते हैं। तो कहते हैं ना कि सक्सेस के लिए फेलियर भी बहुत ज़रूरी है, तो ये फेलियर कहीं ना कहीं उनके अंदर के कॉम्पिटिटिवनेस को एक हाई लेवल पे पहुंचा देता है। एब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब उनको एक बात realize होती है, वो ये कि उन्होंने जो भी slides, जो भी entry की थी, जिस experiment से उन्होंने science fair में entry की थी, उसमें frog के different tissues की slides बनाई थी, जिसको कि microscope से देखा जा सकता था कि किस तरीके से वो दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो भी विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, यानी कि वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स करके जो भी वहाँ पे स्पेक्टेटर्स थे उनको दिखाया था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड अब्राइट वॉज अपियरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट ही सेड। अब उनके अंदर का जो डिटर्मिनेशन था, जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, जो स्पिरिट था, वो अब दिखाई देने लगा था। उन्होंने कहा कि अगले साल के लिए मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स पे वर्क करना होगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और जिस काम में वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे वो काम था इंसेक्ट्स से रिलेटेड। तो वो ये सोचते हैं कि जो कि मैं पिछले कई सारे सालों से करते आ रहा हूं, इसी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स मुझे अगले साइंस फेयर में शो करना होगा। सो ही रोड टू डॉक्टर यूकहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और इस बात के लिए उन्होंने डॉक्टर यूकहार्ट को उनसे आइडियाज लेने के लिए लेटर लिखा और उनको रिजल्ट में पाइल ऑफ सजेशंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डॉक्टर यूकहार्ट के द्वारा मिले। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और ये जितने भी सजेशंस थे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, इन सारे सजेशंस ने एब्राइट को पूरे साल पूरे हाई स्कूल में बिजी रखा और इसकी वजह से कंट्री और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्होंने ढेर सारे प्राइजेस जीते। फॉर इस 8th ग्रेड प्रोजेक्ट Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few year. अपने 8th क्लास के प्रोजेक्ट में Albright ने कुछ नया करने का प्रयास किया। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया, ये पता करने का प्रयास किया कि जो monarch caterpillars हैं उनके एक वायरल डिजीज़ के द्वारा मर जाने का क्या कारण है, वो क्यों मर जाते हैं वायरल डिजीज़ की वजह से। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, उन्होंने ये सोचा कि ये जो डिजीज़ है ये बीटल के द्वारा मोनार्क कैटरपिलर्स में आता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। अब इसके बाद उन्होंने बीटल के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेज करना स्टार्ट किया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन उन्हें कोई वास्तविक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ही सेड, उन्होंने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वोन। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को साइंस फेयर में दिखाया और इसकी वजह से वो जीत गए, उनको प्राइज मिला।
The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. The theory was that viceroy look like monarch because monarch don't taste good to bird. और अगले साल के साइंस प्रोजेक्ट में उनको वायसराय बटरफ्लाइज जो कि मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं इससे रिलेटेड थियरी पे था। और ये थियरी क्या था कि वायसराय बिल्कुल मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह क्यों दिखती हैं? वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं उनको मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्ट में अच्छी नहीं लगती हैं। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन ठीक इसके उल्टा जो वायसराय बटरफ्लाइज होती हैं चिड़ियाएं बर्ड्स उनको बहुत पसंद करती हैं क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा होता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। और इसलिए मोनार्क्स वायसराय बटरफ्लाई जो है मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखाई देंगी उतना ही कम चांस होगा उनको उनका जो है बर्ड्स के द्वारा मारे जाना या खाया जाना। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। और एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो इस बात से रिलेटेड था कि वास्तव में ये देखना था कि क्या बर्ड्स जो है मोनार्क को खाती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टर्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। उन्होंने ये पाया कि जो स्टर्लिंग बर्ड है वो ऑर्डनरी बर्ड फूड को नहीं खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। और ये सारे के सारे मोनार्क्स को खा जाती है जो भी उन्हें मिलती है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली टू कॉपी द मोनार्क। और आगे अपने आगे के रिसर्चेस में एब्राइट कहते हैं कि बाकी सारे लोगों के रिसर्चेस ने ये बताया कि वायसराय जो है प्रोबेबली मोनार्क्स को कॉपी करती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था एब्राइट का वायसराय और मोनार्क्स के कॉपी करने से रिलेटेड, इसने जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट डिवीज़न होल्ड किया और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड पोजीशन होल्ड किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू कवर अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।